हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए राइट्स का बोनस शेयर इशू अनाउंस हुआ है कि कितना बोनस है, क्योंकि आज से पहले ये था कि हाँ राइट्स का बोनस आने वाला है, जिसकी वजह से शेयर में ज़बरदस्त उछाल आया था। और अब 24 जून 2019 ये अनाउंस हुआ है कि बोनस कितना मिलेगा आपको, मतलब आपके पास कितने शेयर हैं तो कितना बोनस मिलेगा। सपोज आपके पास 100 शेयर हैं तो कितना बोनस मिलेगा, 10 शेयर हैं, 20 शेयर हैं तो कितना बोनस मिलेगा। वो जो रेशियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो अनाउंस हुआ है। चलिए बात करते हैं राइट्स के बारे में, इसके बोनस के बारे में, और थोड़ा टेक्निकली जानते हैं शेयर को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर हम नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये देखिए राइट्स शेयर तो बहुत बढ़िया है, नो डाउट, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 5,000 करोड़ के आसपास है, बुक वैल्यू 119 की है, 276 का प्राइस है, पी रेशियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब हर 12 रुपये के आसपास पे 1 रुपये कमाता है ये शेयर, और डिविडेंड यील्ड भी बहुत बेहतरीन मैं कहूँगा, ऑलमोस्ट 2% की डिविडेंड है, टाइम टू टाइम डिविडेंड देता है, और सेल्स ग्रोथ भी 12.5% के आसपास की है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। सबसे इंपॉर्टेंट है 87% से ऊपर का इसमें प्रोमोटर का होल्डिंग है, और डेट फ्री शेयर है सब। दूसरी चीज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी बढ़िया है। तो फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल, और साथ में प्रॉफिट भी बढ़िया कमा रहा है, नो डाउट। अब ये तो आगे डिटेल, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, बोनस। यहाँ पे अगर हम बात करें बोनस की, तो कितना बोनस अनाउंस हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए, ये जो बोनस शेयर इशू हुआ है वो 1:4 का हुआ है। 1:4 मतलब अगर आपके पास 4 शेयर है तो आपको 1 शेयर बोनस में मिलेगा, यानी कि अगर आपके पास 40 शेयर है तो आपको 10 शेयर बोनस में मिलेंगे, इस तरीके से रेशियो है। और 20 शेयर है तो कितने आपको बोनस में मिलेंगे, तो आपको बोनस मिलेंगे यहाँ पे 5, जितने भी शेयर है उसको डिवाइड कर दो 4 से, तो वो आपको बोनस शेयर मिलेंगे। ये राइट्स का बोनस है, चलिए बढ़िया बात है। राइट्स का बोनस ये तो अभी अप्रूव किया है बोर्ड ने, पहले बात चल रही थी कि बोनस इशू होगा, अब ये बोनस जो है वो जाएगा आपके पास, शेयर होल्डर्स इसको अप्रूव करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर, उसके बाद फिर जो अपकमिंग AGM है इसमें वोटिंग के थ्रू शेयर होल्डर से अप्रूवल कराया जाएगा, फिर बोनस का जो है रिकॉर्ड डेट आपको बताया जाएगा। चलिए ये तो अच्छी बात है, थोड़ा राइट्स का टेक्निकली देखें कि क्या कहाँ पे शेयर का लेवल चल रहा है। अगर देखा जाए तो मार्केट में नया है ये शेयर, जुलाई 2018, 1 साल इस शेयर को हो गया, इस साल में इसने कई बार अप डाउन शो करे, तो इसका जो डाउन था, जो मिनिमम पॉइंट मैं कहूँगा, वो 200 का लेवल है, और अप पॉइंट 300 का लेवल है, तो 200 से 300 के बीच ये कई बार होवर हुआ है, अप डाउन हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, फरवरी के बाद ये शेयर ने थोड़ा स्ट्रांग मूव दिखाया है, आप ये देखिए फरवरी के बाद ये 200 के लेवल से ऊपर गया, ऑलमोस्ट 277 के लेवल पे गया, फिर हल्का सा कंसोलिडेट होकर नीचे आके 227 के लेवल तक आया था, फिर उसके बाद फिर इसने नया हाई बनाया। तो अगर आप देखें ये दोनों हाई को, ये नए नए बनते जा रहे हैं, ये डेली पैटर्न की बात करता हूँ मैं अगर। और लेकिन बोनस की अगर बात करें, बोनस के बाद शेयर होल्डर्स को खुशी नहीं हुई, उम्मीद थी कि बोनस बड़ा अनाउंस होगा। देखिए आप बोनस के डेट में ये शेयर जोड़ा नीचे को लुढ़का जरूर है, तो इतनी खुशी शेयर होल्डर्स को हुई नहीं बोनस की, ऐसा लगता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाऊं तो कुछ मुझे क्लैरिटी मिलेगी। देखिए वीकली चार्ट से ये, अब वीकली चार्ट में मेरी सीढ़ियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं, जो इसने लो बनाया था यहाँ पे, ये देखिए RSI 40 के आसपास थी, 40 के आसपास सपोर्ट लिया था जब इसने लो बनाया था RSI का, तो ये फरवरी की बात है, और फरवरी से इसने अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट किया था, और 4 बड़ी बड़ी कैंडल 4 वीक में लगातार जंप देखने को मिला था, और उसके बाद अप डाउन करता करता नीचे आया था, लेकिन उसके बाद फिर से ये 4 वीक लगातार अप रहा, और अभी हल्का सा नीचे कंसोलिडेट जरूर कर रहा है मैं कहूँगा। सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे सपोर्ट लेवल दिखता है 240 से 250 के रेंज में। अगर इसमें करेक्शन थोड़ा आता है, ऑल दो यहाँ पे भी स्ट्रांग सपोर्ट है, ये जो प्रायर रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट का काम कर सकता है, इस 260 से 270 के बीच में, अगर यहाँ से नीचे गिरा तो फिर अगला सपोर्ट जो है वो तैयार है, जिसका ट्रेंड लाइन है 240 से 250 की रेंज। सपोर्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट ना हो के एक रेंज होती है जिससे आपको क्लैरिफाई मिल जाता है, हाँ इस रेंज में इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो ये हमने बात करी राइट्स के टेक्निकल्स के साथ में, अगर राइट्स की मैं डिटेल देखो तो बढ़िया डिविडेंड देता है अब तक के, देखिए
3 बार डिविडेंड दे चुका है, एक बार 2 रुपये, एक बार 4 रुपये 75 पैसे और एक बार 4 रुपये का डिविडेंड दे चुका है। और साथ में देखिए गवर्नमेंट की होल्डिंग 87% की है और बड़े शेयर होल्डर जो इसमें इन्वेस्टेड है HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ये बड़े शेयर उसमें इन्वॉल्व है। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बोनस है राइट्स का, अगर किसी के पास शेयर है तो बोनस की इन्फॉर्मेशन उसको जरूर होनी चाहिए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी अपनी राय राइट्स के इस बोनस के बारे में, ये सही है नहीं है, बोनस कम तो नहीं हो गया, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।